में मतदान वाले दिन सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी और उनके समर्थक विपिन मनोटिया की पिटाई का मुद्दा गरमाने लगा है। मेरठ में आज गुंडई के विरोध में वाल्मीकि समाज ने महापंचायत की पंचायत के दौरान सोमवार को प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था ठप करने का ऐलान कर दिया है। पंचायत में आरोपियों की गिरफ्तारी और गंभीर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि 10 फरवरी को जब मेरठ में वोटिंग चल रही थी, तभी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर के एक बूथ पर सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी और उनके समर्थक विपिन मनोटिया पहुंचे, जहां पोलिंग बूथ से वापस लौटते वक्त भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने आदिल चौधरी और विपिन मनोटिया पर हमला कर दिया। हमले के दौरान विपिन मनोटिया को जमकर पीटा गया। अराजक तत्वों की करतूत का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने थाना मेडिकल में 4 अज्ञात और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से असंतुष्ट वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज पंचायत की, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और गंभीर कार्रवाई की मांग की गई, जिसे लेकर सोमवार को प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था ठप रखने का ऐलान कर दिया गया। देखिए, हम लोगों ने शुरू से लेकर अब तक, हम सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमने सिलेक्शन लेके सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज आपने जो देखिए, तमाम हमारे जिलों के लोग खड़े हैं, हमारे साथी हरिद्वार से आए हैं, कांगड़ा जी और सभी वर्गों के लोग हैं, तमाम दलित समाज के लोग हैं, तमाम मुस्लिम भाई भी हमारे साथ, क्योंकि हमें सब वर्गों का साथ है, सभी लोगों का हमारा हमारे साथ हैं बिल्कुल। और आने वाले सोमवार में अभी लोग हम तय करेंगे, सब लोग तमाम लोग रास्ते फंसे हुए हैं, दिल्ली से गाजियाबाद से भारत में लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ये कोई मेरा विपिन मनोटिया का मामला नहीं है, ये वाल्मीकि समाज की एक मान सम्मान प्रतिष्ठा का मामला है। आज मेरे साथ या कल किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो इसको बिल्कुल हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो तय होगा वो होगा, बाकी सोमवार में हमने आपको बता दिया है, पूरे प्रदेश में हम लोग सफाई व्यवस्था ठप करने का काम करेंगे। तमाम दरोगा खड़े थे, तमाम पुलिस खड़ी थी, सब लोग सत्ता के दबाव में थे, किसी ने कोई हमारा बचाव नहीं किया। एक ही रहते पुलिस वाले भी।